वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। तो ये रहे हमारे फिश टैंक रूम के न्यू लिटिल मेंबर्स, दीज आर ऑस्कर फिश बेबीज। तो इसके अंदर है टोटल 8 ऑस्कर फिश, जिनमें 4 टाइप्स की ऑस्कर वराइटीज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी वराइटीज दिखा देता हूँ। तो ये रही सबसे पहली ऑस्कर फिश टाइप, दिस इज अल्बाइनो फायर ऑस्कर। ये रही सेकेंड ऑस्कर टाइप, दिस इज अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर। ये रही थर्ड ऑस्कर टाइप, दिस इज ब्लैक कॉपर ऑस्कर। एंड ये रही फोर्थ ऑस्कर टाइप, दिस इज ब्लैक टाइगर ऑस्कर। लुक एट द पैटर्न्स ऑन द टाइगर ऑस्कर। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो अल्बाइनो ऑस्कर की आईज रेड कलर की है एंड ब्लैक ऑस्कर की आईज नॉर्मल है, यानी ब्लैक कलर की है। तो वैसे ये सब तो आप सभी को पता होगा, बट ऐसा क्यों वो नहीं पता होगा तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो अल्बाइनो फिश या अल्बाइनो टर्टल की आईज रेड इसलिए होती है बिकॉज आईज में ब्लैक पिगमेंट के एब्सेंस से या ब्लैक पिगमेंट ना होने से ब्लड वेसल्स क्लियरली विजिबल होते हैं। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये एक टेम्पररी टैंक है इनके लिए। इस टैंक की साइज है 3 फीट इन लेंथ, 1.5 फीट इन हाइट एंड 1.5 फीट इन ब्रेथ। इतने सारे ऑस्कर्स के लिए ये टैंक बहुत छोटी है, पर क्योंकि ये अभी बेबीज हैं इसलिए इन्हें हम आराम से इसमें रख सकते हैं। अगर आप 3 फीट के टैंक में ऑस्कर्स रखना चाहते हो या रखने का सोच रहे हो तो विद और हाइट 1 फीट से ज्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट 1.5 फीट होनी चाहिए। तो ये साइज की टैंक में आप 2 बड़े ऑस्कर्स रख सकते हैं या 4 मीडियम ऑस्कर्स रख सकते हैं, पर इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप इससे बड़ी साइज की टैंक में उन्हें रखें। पर अगर स्पेस इश्यूज है आपके पास तो देन यू कैन कीप इन अ 3 फीट टैंक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनके लिए एक टेम्पररी फिश टैंक सेटअप है, बहुत जल्द मैं 5 फीट की एक ऑसम टैंक सेटअप बनाने वाला हूं विद सम फिल्ट्रेशन, जो मैं आपको फिश टैंक रूम के आने वाले लेटेस्ट पार्ट में दिखाऊंगा। ऑल्सो फिश टैंक रूम की बात आ ही गई है तो रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले। फिश टैंक रूम शुरू से ही इज द मोस्ट लाइक एंड द मोस्ट लव्ड एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन द चैनल। इतना स्पेशल है इसलिए मैं उसे बेस्ट वे में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए एंड धमाकेदार वीडियो बहुत जल्द आएगा। आधा काम हो चुका है, बस आधा काम बाकी है। सो बैक टू आवर टॉपिक, ऑस्कर्स हमेशा से ही मेरे फेवरेट फिश रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट फिश सिंस द स्टार्ट, बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न्स, कलर्स, बॉडी फीचर्स। एंड देखिए इनके डोर्सल फिन एंड एनल फिन का शेप भी कैसा इक्वली होकर टेल फिन की तरफ जाता है। ऑल्सो इनका कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये कितने चुलबुले, फुर्तीले, एक्टिव और प्लेफुल होते हैं। आपको पता होगा कि इनको वाटर डॉग्स भी बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। तो अगर ऐसा है तो वैसे ये हमारे पपीज हो गए, तो हमारे पास ये पपीज है। ये दिन भर देखिए इतनी ही तेजी से यहाँ वहाँ आते जाते रहेंगे एंड थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, दिन भर यहाँ वहाँ बस फुर्ती से तेजी से स्विम करते रहेंगे। इसलिए ये भी इनकी कैरेक्टर मुझे बड़ी पसंद आती है। और एक बहुत बड़ी खासियत है इनकी और वो है भूख। यस, दे आर फॉरएवर हंग्री, जितना दो उतना कम है इनको। एंड इसके सिमिलर मैं और एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। रिसेंटली जो डिज्नी लायन किंग मूवी आई थी, अगर आपने उसकी हिंदी वर्जन देखी होगी तो उसमें एक हाइना का कैरेक्टर है, उसका एक डायलॉग है कि लकड़बग्गों का पेट भूख का अंधा कुआ होता है। आई ऑल्सो शो दैट टू यू। लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआ होता है। तो देखा आपने, लकड़बग्गे जो होते हैं या हाइनास जो होते हैं उनको पता नहीं होता है, कितना भी आप उनको दो खाना, कितना भी उनको खाना मिले उनको कम ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये वाटर के हाइनास है, तो वो डायलॉग बहुत सूट करता है ऑस्कर्स पर। सो ये हमेशा भूखे होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें दिन भर खिलाते रहे, खिलाते जाए या बार बार खिलाते रहे। फीडिंग के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ऑल्सो ये कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी फिश हो उन्हें वराइटी का फिश फूड दोगे तो वो खुशी से आपके टैंक में रहेंगे, अच्छे से ग्रो होंगे, हेल्दी रहेंगे। ऑल्सो अगर आप टाइम टू टाइम वाटर चेंजेस करोगे, फिल्ट्रेशन अच्छा रखोगे तो। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कीपिंग ऑस्कर्स। अगर आपने फिश टैंक रूम के पुराने पार्ट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने स्मॉल साइज के ऑस्कर्स लाए थे, उनको बड़ा किया था, ब्रीडिंग साइज की एडल्ट साइज के किए थे, उसके बाद हमारे ऑस्कर्स को मेरे ब्रीडर्स को दे दिए थे बिकॉज वो टाइम पे हमारे फिश टैंक रूम में स्पेस की कमी थी
और इसलिए मैं फिश टैंक का साइज़ बड़ा नहीं कर पाया था, इसलिए उन बड़े ऑस्कर्स को बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे उस टैंक में रखना या उनके लिए एक बड़ा टैंक बनाना। फिर बाद में मैंने रूम को बड़ा किया, स्पेशियस किया, जो अपने लेटेस्ट पार्ट में देखा। और लास्ट ईयर जब मैंने मॉन्स्टर टैंक बनाया था उसमें भी मैंने ऑस्कर्स लाए थे। तो आप सोचते होंगे कि बहुत पहले मैंने ऑस्कर्स लाए थे, रखे थे, उसके बाद अभी मॉन्स्टर टैंक में भी हमारे पास एक बड़ा ऑस्कर है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई फिर से दोबारा क्यों मैं ऑस्कर्स लेके आया? तो उसके पीछे एक मेन रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि मैंने देखा कि हमारे चैनल में ऑस्कर फिश पर अभी तक कोई भी एक अच्छा सा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं है या डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। तो अगर मैं ऑस्कर फिश को लेकर ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊं तो शॉप में बैठकर बनाना होगा या रेफरेंस इमेजेस या क्लिप्स लेकर बनाना होगा। तो मैंने सोचा वैसे फील नहीं आएगी और ना वीडियो में दम होगा, तो सोचा ऑस्कर की एक नई टैंक बना देता हूँ, तो वीडियो बनाने में मुझे भी फील आएगा और देखने में आपको भी अच्छा लगेगा। एंड अगेन ये टेम्पररी टैंक सेटअप है, बहुत जल्द इनके लिए एक बड़ी टैंक होगी। ऑल राइट, सो बढ़ते हैं इस वीडियो में, बहुत सारी बातें करेंगे। लंबा इंट्रो हो गया बट काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑस्कर फिश के बारे में मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द ऑस्कर फिश गाइड नाउ। सो ऑस्कर फिश एक फ्रेश वाटर फिश है फ्रॉम द सिकलेट फिश फैमिली। ऑस्कर का ओरिजिन साउथ अमेरिका से है। ऑस्कर फिश को वेलवेट सिकलेट या मार्बल सिकलेट भी बुलाया जाता है। ऑस्कर फिश की साइज 12 इंचेस यानी 1 फीट तक बढ़ सकती है। ऑस्कर फिश की लाइफ स्पैन 15 to 20 ईयर्स तक हो सकती है। इनके लिए मिनिमम टैंक साइज 3 फीट या 200 लीटर्स होना चाहिए। टैंक में हीटर होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। पीएच 6 to 8 इनके लिए सही है। डाइट में ये ओमनिवोरस है यानि नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं, पर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन्हें नॉन वेज कुछ ज़्यादा ही पसंद है। टेम्परमेंट या बिहेवियर इनका एग्रेसिव है। तो ये था शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन ऑस्कर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टैंक मेट्स के बारे में। तो क्योंकि ऑस्कर फिश एग्रेसिव होने के साथ साथ टेरिटोरियल भी होते हैं, तो इनके साथ आप गोल्ड फिश, कोई फिश, डेलिकेट फिश नहीं रख सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी टैंक बनानी है तो पहले तो टैंक बड़ी होनी चाहिए। ऑस्कर के साथ आप कई सारे सेंट्रल अमेरिकन सिकलेट्स ऐड कर सकते हैं जो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। इनके साथ आप अफ्रीकन सिकलेट्स को मत रखिए, दूसरे सिकलेट्स रखिए जैसे ग्रीन टेरर, फायर माउथ, कॉन्वेक्ट, जैगुआर, एकारा, सेल्विन, सेवरम, पैरेट या डॉलर्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइट की। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा ऑस्कर फिश का पेट भले ही भरा रहे फिर भी वो टैंक में यहाँ वहाँ मुँह से कुछ ना कुछ उठाते फिरेगी, और अगर आपके टैंक में कुछ ऐसा है जो उसके माउथ में आ सकता है तो उसे हटा दीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए आपको ये क्लिप दिखाना चाहूँगा। देखिए इस ऑस्कर के माउथ में एक्वेरियम फिल्टर का सक्शन कप अटक गया है। तो सावधानी लीजिए कि ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो ये खा ले और फिर मुँह के अंदर अटक जाए। ये तो अच्छा हुआ कि इस शॉप ओनर ने नोटिस कर दिया, वरना बाद में इस ऑस्कर को बड़ी दिक्कत हो जाती। सो ऑस्कर्स आर ओमनिवोरस फिश, बट जैसे मैंने कहा कि इनको नॉन वेज ज़्यादा पसंद है, तो आप इन्हें मील वर्म्स, सुप वर्म्स, ब्लड वर्म्स, ट्यूबिफेक्स वर्म्स, श्रिम, प्रॉन्स, चिकन आर्ट भी फॉर अ चेंज खिला सकते हैं। पैलेट्स में ऑस्कर्स के लिए मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फूड है हिकारी का सिकलेट स्टेबल या हिकारी सिकलेट बायोगोल्ड या हिकारी सिकलेट गोल्ड, और ये फ्लोटिंग एंड सिंकिंग दोनों में अवेलेबल है। ऑल्सो ये ना हिकारी की कोई एडवर्टाइजिंग है ना प्रमोशन है, बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको कोई भी ब्रांड का पैलेट फूड खिलाना है वो खिला सकते हो, बस मेक श्योर वो हाई क्वालिटी एंड बेस्ट क्वालिटी का हो। ऑल्सो एक बार मैं बहुत ज़्यादा खिलाने से अच्छा है पूरे दिन में 2 बार या 3 बार खिलाइए। टैंक सेटअप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टैंक साइज़। तो अगर आप ऑस्कर ओनली टैंक रखना चाहते हो या मेरे तरह बेबी से बड़ा करना चाहते हो तो 5 फीट या 6 फीट टैंक में 2 पेयर्स या 3 पेयर्स ऑस्कर रख सकते हो। अगर स्पेस के इश्यूज़ है तो 3 फीट की टैंक एटलीस्ट रखिए जिसमें 1 पेयर ऑस्कर फिश रख सकते हैं अगर बड़े हैं तो, अगर मीडियम है तो 2 पेयर्स, अगर बेबीज है तो 4 पेयर्स। नाउ टैंक सेटअप। सो हाल ही में मैंने एक ऑनलाइन वीडियो देखा था ऑस्कर फिश का, तो मैंने उसमें देखा 2.5 फीट की टैंक है और उसमें 4 या 5 मीडियम साइज़ की ऑस्कर फिश ऐड किए हैं, देन हाइडिंग शोपीस भी बस एक ही रखा है पूरे टैंक में। तो जब आपको पता है कि ऑस्कर एक टेरिटोरियल फिश है इसलिए आपने वो सोच के अगर हाइडिंग प्लेस रखी है तो एक से कैसे काम चलेगा।
हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आपके चारों ऑस्कर्स उस एक शोपीस के अंदर जाके बैठ जाएंगे अगर छुपना है तो. देन आर्टिफिशियल प्लांट्स भी डाले हैं, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड आर्टिफिशियल चीज़ें, इंस्टेंट लाइव प्लांट्स ऐड कीजिए, भले छोटे हो तो भी चलेगा, जावा फर्न्स या जावा मॉस बेस्ट है. सो अगेन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड आर्टिफिशियल स्टफ्स एंड बेयर बॉटम टैंक्स आर एनी टाइम बेस्ट. अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. देखिए हमारे पास वेस्टर्न पब्लिक एक्वेरियम्स की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है जिसमें हम बिंदास जी भर के डेकोरेशन ऐड कर सकते हैं, लिमिटेड स्पेस है, तो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें रख के वो लिमिटेड स्पेस को और लिमिट क्यों करना. एंड जितने भी एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट के आप फ्रेश वाटर टैंक्स या मॉन्स्टर टैंक्स देखोगे वो सारे बेयर बॉटम होते हैं. इवन थाईलैंड के मैंने आपको कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर टैंक्स दिखाए, सभी बेयर बॉटम थे विदाउट इवन अ सिंगल डेकोर आइटम, बट स्टिल सारे कितने प्लीजिंग दिखते हैं. ओनली फिश की हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी इज़ ऑल दैट मैटर्स. फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, ऑल्सो कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं, फिल्टर का आउटलेट जैसा भी होता है वो वैसा ही रखते हैं. आउटलेट को भी आपके हिसाब से यहाँ वहाँ टर्न कर सकते हैं. देखिए मैंने आउटलेट को बैकग्राउंड की तरफ टर्न करके रखा है, वो इसलिए किया है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उस स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो की वजह से मेरी फिशेस का जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए. क्योंकि ये बेबीज़ हैं, मैं नहीं चाहता कि फ्लो से इनको यहाँ वहाँ घूमने में, स्विम करने में, इजी स्विम करने में दिक्कत हो जाए. और सिर्फ कुछ फिशेस होते हैं जिनको फ्लो बहुत पसंद होता है, बस कुछ ही फिशेस होते हैं, सबको फ्लो पसंद नहीं आता. और ये तो देखिए कि उस फ्लो से कहीं आपकी फ़िश की स्विमिंग तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है, उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है स्विम होने में. एंड हमारा टैंक 10-12 फीट बड़ा तो नहीं है कि फ्लो इस तरफ हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता. सो प्लीज़ वो भी ध्यान रखिए. तो वैसे तो फिल्ट्रेशन में सम्प या कैनिस्टर फिल्टर बेस्ट ही होता है. इंटरनल या टॉप फिल्टर टेम्प्रेरी के लिए है तो सही है, या अगर छोटी टैंक है तो सही है. अगर बड़ी टैंक है तो सम्प में चाहिए या कैनिस्टर फिल्टर लगाइए. तो ये हो गया टैंक सेटअप. अब बात करते हैं डिजीज़ के बारे में शॉर्ट में. तो ऑस्कर्स को होल इन द हेड, वाइट स्पॉट या वाइट एग, फिन रॉट हो सकता है. तो मैंने फिश इन्फो सीरीज में डिजीज़ के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं या अगर हो जाती है तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने कवर किया है. लॉकडाउन में मैंने फिश सीरीज स्टार्ट की थी, आप उन सीरीज़ को SJ इंसेप्शन स्पेशल्स की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो. मैंने डिस्कस फिश, एरवाना फिश, बीटा फिश के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, स्पेसिफिक फिश इन्फो गाइड वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने हर एक डिजीज़ को कवर किया है, हाउ टू प्रिवेंट देम एंड हाउ टू ट्रीट स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए, जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास जानकारी है उसके रिलेटेड. तो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो. एंड फिर भी इन सब से बचने के लिए एक ही सोल्यूशन है, पानी हमेशा साफ रखिए, टाइम टू टाइम वाटर चेंजेस करिए. फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है या कम अच्छा है, फिर भी प्लीज़ वाटर चेंजेस करिए. तो ये था शॉर्ट सा ऑस्कर फिश गाइड. जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ या जितना एक्सपीरियंस है, मैं सीखा हूँ, वो सब मैंने आप तक शेयर किया. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा. हमारी ये सिंपल सी बेयर बॉटम ऑस्कर टैंक भी अच्छी लगी होगी और उसके अंदर के ये क्यूट चुलबुले से ऑस्कर फिश भी पसंद आए होंगे. तो अब बहुत से लोग क्यूरियस होंगे कि प्राइस क्या होगी. तो सबसे पहले बता दूँ कि ये ऑस्कर्स मैंने एशिया एक्वेरियम कल्याण से परचेस की है. तो बहुत टाइम के बाद मैं शूट कर रहा था किसी शॉप में और मुझे बेबी ऑस्कर्स की क्वालिटी बड़ी पसंद आई. तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि इतनी मुझे पसंद आई कि मैं ऑस्कर्स खरीद ही दूंगा. मुझे लगा कि मैं 2-3 खरीदूंगा, बट मैंने हर एक टाइप जितनी उनके पास अवेलेबल थी उसमें से हर एक टाइप मैंने परचेस की. तो जो अल्बाइनो ऑस्कर्स है उनकी प्राइस उनके यहाँ पे पैर की 350 रुपीज़ है. जैसे अल्बाइनो फायर की 350 फॉर अ पैर, अल्बाइनो टाइगर की 350 फॉर अ पैर, और जो ब्लैक टाइगर या ब्लैक कॉपर है उनकी 250 फॉर अ पैर है. तो मैंने उनसे परचेस की. अगर आपको भी परचेस करना है सो यू कैन प्रोसीड एंड उनके पास आपको मिल जाएगी. तो मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने परचेस की. लेट्स सी द फीडिंग ऑफ दिस बेबी ऑस्कर्स. तो ऑस्कर्स बड़े फुर्ती से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं, बड़े कूद कूद के खाते हैं. तो आई एम श्योर वो देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा. एंड जिनके पास ऑस्कर्स रहेंगे वो तो रिलेट कर पाते होंगे. तो मैं इनको अब खिला के दिखाने वाला हूँ. ये दिस इज़ ड्राइड मील वर्म्स. तो क्योंकि हमारे ऑस्कर्स जो है वो थोड़े से छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए मैं क्रश करके खिलाने वाला हूँ. तो अब देखेंगे कि ऐसे मज़े से कूद कूद कर ये खाएंगे. All right, so I have crushed
क्रस्ट द मील वर्म्स, ड्राइड मील वर्म्स है, उनके थोड़े टुकड़े कर दिए, तो अभी हाथ सामने लेके जाऊंगा और आप देखेंगे कि ये देखिए सारे कैसे आ रहे हैं। तो ये इनकी खासियत मुझे बड़ी पसंद है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ऊपर पकड़ूंगा तो देखिए ये कैसे आ गए। सो ज़्यादा तड़पाते नहीं है, डाल देते हैं फटाक से। सो ये डाल दिए मैंने, ये देखिए आप किस तरह से अब खा रहे हैं, यू कैन हियर दैट साउंड। सो दिस वॉज द ऑस्कर फिश सेटअप एंड ऑस्कर फिश गाइड। आई होप आप सबको पसंद आई होगी ये वीडियो। एक सेपरेट फीडिंग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आई शो यू ब्लडवर्म्स की फीडिंग, प्रॉन्स की फीडिंग, मीलवर्म्स की फीडिंग। सो लेट मी नो अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो। ऑल राइट, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी होगी अच्छी तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। सो दिस वॉज आर ऑस्कर फिश टैंक।